आपके बजट में फिट होगी ये नई इलेक्ट्रिक कार। अगले साल तक भारत में लॉन्च करेगी एमजी इंडिया। एमजी मोटर इंडिया अगले साल किफ़ायती इलेक्ट्रिक वाहन भारत में लाने वाली है, जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच होने की बात सामने आई है। इलेक्ट्रिक वाहन भारतीय बाजार में फिलहाल काफ़ी महंगे हैं और आम लोगों के बजट में नहीं समा रहे हैं। ऐसे में 10 लाख रुपए के बजट में अगर इलेक्ट्रिक कार मिलती है तो ग्राहक अपने छोटे बजट को थोड़ा बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल के अलावा मेंटेनेंस का खर्च बचने वाला है। एमजी देश में पहले से ZS इलेक्ट्रिक एसयूवी बेच रही है और अब कंपनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बनी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर लॉन्च करने वाली है। कंपनी के एक अधिकारी की माने तो एमजी इंडिया की अगली पेशकश यही इलेक्ट्रिक कार होगी। तो एमजी एस्टर एसयूवी के बाद अगली कार होगी ईवी। पीटीआई से बातचीत के दौरान एमजी मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने कहा, एस्टर एसयूवी के बाद हमारी अगली कार ईवी होगी। इस कार पर हम विचार कर रहे थे और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार का रुख देखकर हमें काफ़ी उम्मीद मिल गई है। हमने अगले साल तक इस नई इलेक्ट्रिक कार को भारत में लाने का फैसला किया है। कीमत के बारे में पूछने पर छाबा ने कहा कि इस नई इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच होगी। ज़्यादातर भारतीयों के बजट में ये कार आ सके, इसलिए कंपनी इसकी कीमत पर विशेष ध्यान देने वाली है। वैसे अगर एमजी इंडिया की इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करें तो फिलहाल एमजी देश में ZS ईवी बेच रही है। छाबा ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई नीतियां बनाई जा रही है, जिससे भारत में इन कारों के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे देसी इस्तेमाल होंगे। फिलहाल एमजी देश में ZS ईवी बेच रही है, जो दो वेरियंट्स में उपलब्ध कराई गई है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 21 लाख रुपए से लेकर 24 लाख 68 हज़ार रुपये तक जाती है। PLI स्कीम के अलावा अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है, उस हिसाब से कार की कीमतों में कमी आती है। छाबा ने बताया कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से 2000 कंपनी को मिले हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 250 से 300 यूनिट कंपनी ग्राहकों को सौंप पा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो एमजी इंडिया जैसे कह रही है कि 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर देंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एमजी की गाड़ियां लुक और फीचर्स के मामले में कहीं भी हल्की नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से ये एमजी की गाड़ी इलेक्ट्रिक जो लॉन्च करेगी 10 से 15 लाख रुपए के बीच में, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।